ओके हेलो गाइस, व्हाट इज अप एवरीबॉडी। आई होप कि आप सब बढ़िया हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ 2022। एंड आज हम लोग जा रहे हैं जिम में। अभी बज रहे ऑलमोस्ट 6:30 एंड अभी जिम जाऊंगा मैं। एंड वहां पे आज मैं मेरा पुश डे है, तो आज चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स ट्रेन करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं कुछ दिन पहले ही पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करना चालू किया हूँ, तो जिम जाते हैं, आपको मैं वहाँ पे जाके वर्कआउट दिखाता हूँ। एंड उसके बाद हम मैं घर में आके आपको आज का जो वर्कआउट है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो बेसिकली पहले मैं एक अलग सा रूटीन फॉलो करता था, रूटीन को मैं नेम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तब मैं फर्स्ट डे मैं चेस्ट ट्राइसेप्स ट्रेन करता था, उसके बाद लेग के साथ शोल्डर ट्रेन करता था एंड बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन करता था, साथ में रियर डेल्स भी ट्रेन करता था बैक एंड बाइसेप डे में। तो बेसिकली अभी मैं कुछ दिन पहले ही चालू किया हूँ, मेरे को मन कर रहा था अपना जो वर्कआउट स्प्लिट है उसको चेंज करने का। तो चलो गाइस अभी चलते हैं एंड अपना पुश डे को कंप्लीट करता है एंड वापस आके आप लोग को मैं आज का जो वर्कआउट है उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो गाइस चलते हैं अभी जिम में। सो जिम आ गया है एंड चेंजिंग रूम में मैं चेंज कर रहा हूँ। मेरा वार्म अप हो गया, वार्म अप कम्प्लीट कर लिया, अभी मैं चेंज करूँगा, चेंज करके अपना पुश डे स्टार्ट करूँगा। तो चलो गाइस चालू करते हैं। अरे भाई लोग आ गए हमारे, हर्ष, आशु, हैंडसम, यस, फिटनेस मॉडल।
डाल दूंगा मैं। गाइस बाय गाइस, कुछ बोलना चाहते हो गाइस को? कीप जिमिंग अनलाइक मी। ओके, यू स्किप, स्टॉप स्किपिंग। तू बहुत स्किप करता है भाई, बस ये मत बोल। सो गाइस, फाइनली वर्कआउट हो गया कंप्लीट, पुश डे, एंड ये हीरो बोल जय श्री राम, जोर से बोल जय श्री राम। Show some skills, bro. Okay. 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 Bariya. Let's go. तो fat loss journey के expert है ये। किसी को फैट लॉस टिप्स चाहिए आप इनसे बात कर सकते हैं। कार्डियो एक्सपर्ट। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में सब इनका डिटेल्स, फोन नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी सब दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने एक महीने में 20 किलो वेट घटाया है। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं फोटो भी डालूंगा। ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है। बोलो सब्सक्राइब कर दो, जोर से बोलो ना। Okay. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। भाई भैया, ये भैया भी बहुत मेहनत कर रहा है भाई, फोरम्स देख रहे हो। ये हमारे हैंडसम भैया पता लगा रहे हैं। कुछ भी करता है, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो बाय बाय ब्रो, बाय बाय पवन भैया। स्माइल करते हुए, ये देखो जिम बंद हो गया है लेकिन ये भैया अभी भी मेहनत कर रहा है। 500, 1,000 सपोर्ट सपोर्ट दे दो, सपोर्ट मोरल सपोर्ट दे रहा हूँ। कम ऑन, आपका यो वाला इसमें बहुत बढ़िया भैया। ये भी वायरल हो जाए। गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ, चल घर चले। हाँ, सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ एंड मैंने कुछ देर पहले 2 अंडे खाया जिससे मेरे को थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल गया। एंड आज का वर्कआउट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्टिंग विथ, सबसे पहले मैंने बारबेल बेंच प्रेस लगाया जो कि 3x8x12 रेप्स के थे, ठीक है, मतलब 3 सेट 8x12 रिपीटेशन का रेफरेंस था। एंड उसके बाद मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस लगाया जिसमें 3x8x12 सिमिलर टाइप का रेप्स था, ठीक है। एंड इससे मेरा चेस्ट का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने वार्म अप किया था। तो जब भी आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं आप लोग को सबसे पहले काफ़ी अच्छे से वार्म अप कर लेना है। आपका कोई भी डे हो, पुश डे पुल डे, आपको अच्छे से वार्म अप करना है एंड देन ही आपका वर्कआउट स्टार्ट करना है, नहीं तो इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है। एंड वार्म अप करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी अच्छे से, एंड उससे हम लोग को एक्स्ट्रा एनर्जी एंड पंप मिलता है वर्कआउट के दौरान। तो आप लोग जब भी वर्कआउट करें उससे पहले ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंटली अपना वार्म अप को कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वर्कआउट था हम लोग का वो था ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। तो उसका मैंने 3 सेट्स किया एंड रेप्रेंज अराउंड 12-15 था, ठीक है। चेस्ट के बाद हम लोग ने किया एक ट्राइसेप का वर्कआउट, ठीक है। ट्राइसेप का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम लोग गया नेक्स्ट वर्कआउट में जो कि था लैटरल रेजेस, जिसका हम लोग ने 5 सेट किया एंड उसका रेफरेंस अराउंड 15-20 था।
शोल्डर अगर वाइड चाहते हैं आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लैटरल रेजेस मारें। आपको अगर अपना शोल्डर लाइक वाइड करना है तो आपको लैटरल रेजेस सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपके शोल्डर को ग्रो करने में, ठीक है। तो लैटरल रेजेस जरूर लूट करिए अपना शोल्डर वर्कआउट में। तो नेक्स्ट हम लोग चले आए ट्राइसेप। हम लोग का जो लास्ट एक्सरसाइज था वो था ट्राइसेप पुश डाउन, जिसका हम लोग ने 3 सेट्स किया एंड अराउंड 10 to 12 रेप्स का रिपीटेशन था उसमें भी। तो इसी के साथ हम लोग का वर्कआउट ख़त्म हो गया। तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट था, काफ़ी अच्छा पंप भी आया एंड आई होप कि आज के वर्कआउट में आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड यहीं पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए देख रहे हो, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड काफ़ी खुशी होता है कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ उसका कुछ रिस्पांस मिल रहा है मेरे को। तो ये था आज का वीडियो गाइस। सो मिलते हैं नए व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, पीस।